हाथ उठा उनके तो एक बात और सुन ले, वैक्सीनेशन हो रही है पूरी दुनिया में, जिन्होंने बीमारी इजाद की थी उन्होंने दवा भी इजाद कर ली है। पढ़े लिखे बच्चे हैं जो भाई नाला कर लो, मैं कैसे कैसे मोड़ से गुजर रहा हूं, डालते हैं फिर बांटते हैं, कसम है तुम्हें बड़ा अच्छा लगा तुम्हें ये दाव देना, जब आदत पड़ जाती है फिर बेचते फिर बांटते नहीं है। चीन में वैक्सीनेशन हो गई, वैक्सीन तैयार हो गई, तकरीबन 2,50,000 डोज पाकिस्तानियों को लग भी चुकी है, समझ आ रही है, शिकागो से डोज आ रही है, न्यूजीलैंड से डोज आ रही है, इंडिया बिल्कुल करीब हो गया, पाकिस्तान भी तकरीबन वैक्सीन बनाने में कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पूरी दुनिया में इलाज हो रहा है। बात से अगर छोटा सा बात भी हूँ, एक इलाज मैंने भी ढूंढा है, अगर बोलो तो मैं पढ़ दूँ, मसमूम मसमूम वायरस से छोड़ा नहीं है जान कर, खाक के शिफा का अर्क फजा में हो यूं ना करना पड़े, यहां रहे हाथ हाथ में। अजीब और गरीब बिस्मिल्लाह भाई, हाँ आपने मुझे सुना ही इतना है, अजीब और गरीब सूरत हाल है हमारे वजीर तालीम, बड़े बड़े चैन हैं, बड़े परेशान हैं बेचारे, अल्लाह उन्हें इज्जत दे, अल्लाह उन्हें हर परेशानी से महफूज फरमाए। शफकत मामूर साहब रोज शफकत करते हैं, रोज करते हैं, कहते हैं कल स्कूल खुल जाएंगे, फिर नहीं कल नहीं, फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, 20 मई को, फिर 24 मई को, फिर 30 मई को, फिर 4 जून को, फिर 7 जून को, सूरत हाल समझ नहीं आ रही। स्कूलों वाले परेशान हैं बेचारे, इतने परेशान हैं, 2 दिन के लिए स्कूल खोलते हैं, फीसें लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं, बेचारे इतने डिस्टर्ब हैं, इतने परेशान हैं, 2-3 दिन के लिए स्कूल खोलते हैं, चीजें ही से लेते हैं, फिर उसके बाद स्कूल बंद हो जाते हैं। परेशानी क्या है, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, बच्चा स्कूल जाए, अल्लाह ना करे उसे प्रॉब्लम हो जाए, उसे डिजीज हो जाए, उसे वायरस हो जाए, उसे कोरोना हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम बन जाए तो क्या होगा, उसका भी एक इलाज आ रहा है। मैंने मसमूम वायरस से छुड़ानी है जानकर, मसमूम वायरस से कब्र की रात तक उस बंदे को दुआ करूंगा, जिसे जुबान से बोलना आता हो, हाथ उठाना आता हो तो सर में ही लाए। मसमूम वायरस से छुड़ानी है जानकर, खाके शिफा का अर्क फजा में उछाल दो, महफूज घर में आएंगे बच्चे स्कूल से, नादे अली को छाप के बस्तों में। अल्लाह करे ये हाथ मुझे रहे, ये चेहरे सलामत रहे। भाईजान जी हाँ, ये नौकरियां कबूल हों, ये जो नौकरियां आप कर रहे हैं कर्से से मेरी शहजादी कबूल फरमाए। सूरत हाल ये है, इस्लामाबाद में एक महफिल थी जिसमें जस्टिस साहिबान थे, वकला साहिबान थे, ढेर सारे डॉक्टर्स थे, ढेर सारे शुरा थे, ढेर सारे उलमा थे, अदब की दुनिया थी सारी की सारी, मुझसे हज़ार गुना बेहतर लोग थे, और महफिल थी हुसन की शरीयत के आखिरी पैगंबर पे। अकबर का नौकर तो कम से कम बोलता है यार, सर हिला के दुखी किया आपने, सॉरी नाराज ना हूं। महफिल का उन्मान था हुसन की शरीयत का आखिरी पैगंबर, उस बज़्म के लिए मैंने एक नज़्म लिखी थी, अकबर का सरापा।
ये कुछ बच्चे मुझे बार बार कह रहे हैं बड़ी मुश्किल है, अगर आप मदद करें तो ना ले आना पुत्रा ने। मैं क्या बोलेगा कौन, तुम आखे भी वो बोलन तरला जी गल बड़ी औखी है। मैं पढ़ू इन्होंने पुत्रा दे आके दिल है कि आज अपने ही दिल पर कर्म करूं। शाबाश जी वो पी रहा हूं सलाम ही ने मेरे हाथ उच्चे बादशाह तवज्जो बाद भाई मेहरबानी करें जेड़े बंदे हाथ चा लें तुम अकबर बादशाह का वास्ता 20 मिनट में बढ़ गया ज्यादा 20 मिनट टाइम हो जाए। ये तरला जे मेरा मैं सफर बड़ा किया है कुरान सो मैं कंडा बड़ा किया मेहरबानी करें जिन समझ आए बोले दिल है कि आज अपने ही दिल पर कर्म करूं लफ्जों की आबशार में जम जम को जम कर नस्लों की खैर हो इन्हें पुत्रों के शारा ला दो अल्लाह जम जम को जम करू पे बोलने वाला हो जहां बैठे हो जी भाइयों ये शौकत का सलाम वसूल करो दिल है कि आज अपने ही दिल पर कर्म करूं लफ्जों की आबशार में जम जम को जम करूं पहले कलम पे सूरह यासीन दम करूं। लाला हाथ उच्चा रहे गाजी इस तरह देनी मैं तो दुआई कर सकना पहले कलम पे सूरह यासीन दम करूं फिर हुस्न के वली का सरापा रकम कम पहले कलम पे सूरह यासीन दम करूं फिर हुस्न के वली का सरापा रकम करूं अकबर है इतना हुस्न तुम्हारे वजूद में मोहसिन पुत्र इथों लै के दो पाशा साहब तक बारह ने मातमी तक मैं इमाम हुसैन अकबर के नौकरा का नौकर किसी मातमी की जुते लिखा हुआ शौकत रहा शौकत यह मैं झोली फैला के पे आखना बेटे बेटे पिंड आ रहे पातशाह जी मेरी मर्जी दे इतने बंदे बैठे ने मैं ना लवा मेरा टाइम मुक जाता है एक बंदा बोले मैं राजी हूँ अकबर है इतना हुस्न तुम्हारे वजूद में लफ्ज़े रकू में है तो कलम है सजूद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जी जी वो हाथ ऊंचा रहे वो सामने मेरे बच्चे जो खड़े हुए ये जो सामने चेहरे तशरीफ फरमाए मेरी शहजादी आ रही अकबर है इतना हुस्न तुम्हारे वजूद में लफ्ज़े रकू में है तो कलम है सजूद में वजूद में सजूद में कराची दिया सीढ़ियाँ ना सुनिया कर लाहौर दिया सुनिया कर तेरी बड़ी मेहरबानी लफ्ज़े हाँ अच्छा कहता फिर कराची चली है लफ्ज़े रकू में है तो कलम है सजूद में कौन है अकबर चेहरा है जुल जलाल के चेहरे का बांक पान ले आ वो बंदे शायद कलंदरी ले आ वो बंदे जो मुझे इस पैसे की कीमत दे ले आ वो बंदे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तुम्हारे पुत्र जीवन बुजुर्गो तुम्हारा हाथ उच्चा रहे ये मुर्शिद दादा बड़ी मेहरबानी चेहरा है जलाल के चेहरे का बांकपन खत खाल को नसीब है 14 का पैराहन आंखें खुले तो उनसे मिले शम्स को किरण हंसने लगे तो दूर हो इम्कान की थकन एक लफ्ज है कान कान कहते किसी ऐसे शय को जहां से कुछ फूटता है एक ये कान है तुम अकबर का वास्ता दोनों समझ आए तो बोलना इतनी हसी है उसकी समात जहान से फूटे बिला की कान भी अकबर के आए हाय हाय मैं राजी हो गया मैनू अकबर की कसम है नारो आ रहा मैं राजी हो जियो पुत्रा और जियो पुत्रा और गाजी इस तरह मेरी जी बेटा गाजी इस तरह मेरी अकबर का सदका जी में हक अदा हो गया 14 की कसम है राजी जी भाई जान दूर बैठे आप लेकिन आपने हक अदा कर दिया बिल्कुल कीमत मिल गई अल्लाह अकबर इतनी हसी है आपकी क्या बात है बेटा इतनी हसी है उसकी समाज जहान से फूटे बिला
वालों पे हाथ है, इससे आगे मेरी कसम कोई नहीं। मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो अगर मैं आपकी खुशामत करूँ, आपने मिसरा न दोहराया होता, मैं ये बंद ना पड़ता। इतना मुश्किल बंद है कि मैं उस्ताद रेहान आदमी जैसे बंदे को जाफर तैयार कर रोज के आते और सुने आगे मुझे कहते देखे यार तू कहाँ बैठ के लिखता है। लो मैं आपकी वजह से मिसरा पढ़ लो, कौन है अकबर? अकबर का सर सरों में बड़ा सरफराज है। मातमी तो शायर होता है यार, मातमी तो रोज नया नोहा पड़ता है यार। अकबर का सर सरों में बड़ा सरफराज है, ये मिसरा मुझे कीमत दे दो मैं इसके बाद दान ही मांगूंगा। अकबर का सर सरों में बड़ा सरफराज है, उठे तो फिर जिहाद, झुके तो नमाज है। जी बादशाह जी भाईजान आपको बोलना भी चाहिए था। मेरे मोहतरम जी आप सलामत रहे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, सलामत रहे आप। अकबर का सर सरों में बड़ा सरफराज है, उठे तो फिर जिहाद, झुके तो नमाज है, इस हुस्न की जबीन बड़ी बेनियाज है, वल्लैल की शबी है जो जुल्फे दरा। चाचा की करिए असी उर्दू वाले कितने चले जाइए, उर्दू वाले फौत हो जाइए, थोड़ा जो बोल चाचा। वल्लैल की शबी है, वल्लैल की शबी है जो जुल्फे दराज है, जुल्फों की मांग है कि सिराते नजात है। आइंदा मैंने बुलाया जाए तो इतने ब्लैक बोर्ड रखिया जे, चाक रखिया जे, मैं लफ्जों के मानी लिखा फिर मैंने पुत्रों को दाद मंगा। मैं खड़ा आखना जुल्फों की मांग है कि सिराते नजात है, इस मांग से ही मांगती कोल गाय। क्या बात है बादशाह, कुरान की कसम है उस बंदे की दसत नहीं लाना देना, खुशामद में करता है अज नारोवाल आ लुट लिया, सलाम है इन्होंने एडा उखा मिसरा एडी वड्डी रात। अल्लाह जुल्फों की मांग है कि सिरा पे नजात है, इस मांग से ही मांगती कुल। असरार जिंदगी के भी खोलो तो शुक्रिया, अपनी पका के रस भी तोलो के शुक्रिया, देकर अजान जाने लगो जब मुअज्जिनो, जाते हुए हुसैन से बोलो। शाबाश 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 शाबाश, तुहाडे पुत्र जीवन, तुहाडे पुत्र जीवन, तुहाडे लाल जी इस्तां दे इस मांग से ही मांगती। मैं नौकरा देकर अजान जाने लगो जब मुअज्जिन हो, जाते हुए हुसैन से बोलोगे शुक्रिया, इस मांग से ही मांगती। रल के मैं पुत्रा अकबर का सदका जी, मैं किसी शायद की कमी ना आई, किसी शायद की छोड़ ना आई। मैंने कहा दी कसम मेरी कमजोरी हो बंदा जरा औखी गल से बोलता है, लैस तो औखी गल है, एक बंदा भी ना बोले मैं अपने आप को आख्या बिच द्वारा ये शेर आ गया, मैं अपने आप को कई बार आख्या जी ओ पुत्रा तेरी जिंदगी हो गई। कौन है अकबर? है फूल के बदन में तवाना कली का जोर। आ जन्नत में रहने वालों, और जन्नत में रहने वालों, और सुल्तान ने जश्न सदका जी बेटा, और सैयदा दा ये हाथ ऊंचा रहे, अदादारियां नसीब हो तुम्हें। अल्लाह 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 अल्लाह।
फूल के बदन में तवाना कली का जोर है, फूल के बदन में बोलना है, फूल के बदन में तवाना कली का जोर, मासूम उंगलियों में है मुमकिन वली का जोर। कौन है अकबर? पिनहा हथेलियों में है जरबे चली का जोर, इसकी कलाइयों में है सारा अली। शाबाश।